एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि HBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर सैंपल पेपर मार्किंग स्कीम रिलीज कर दी है। तो स्टूडेंट्स वहाँ से आप अपना पैटर्न वे भी चेक कर सकते हो किस टाइप का पेपर आएगा। तो वैसे ही उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे सब्जेक्ट का क्लास 10th हो चाहे 12th हो, तो हम स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो हम क्या करेंगे, जो क्लास 10th का पेपर केमिस्ट्री का और क्लास 12th केमिस्ट्री का सारा पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे आपको, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस का, अगर स्टूडेंट्स की ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी तो। अगर आपको नीड है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा येस और नो, ताकि हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एसरेशन और रीजन वाला। जैसे आपको बताया कि 10th में आपके तीन ही क्वेश्चन आएंगे एसरेशन रीजन से, एक फिजिक्स से रहेगा, एक केमिस्ट्री और एक बायो से। तो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से पूछा हुआ है उन्होंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसरेशन रीजन में होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, ठीक है, एक स्टेटमेंट एसरेशन में गिवन होगी, एक रीजन में। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि चेक करना कि एसरेशन में जो दे रखा है वो सही है या नहीं। थर्ड, सेकंड पॉइंट चेक करना कि रीजन में जो बात बोली गई है वो ठीक है या नहीं। थर्ड आपको देखना होता है कि जो ऊपर वाले स्टेटमेंट है ना वो ट्रू क्या रीजन की वजह से हो रही है। तो इस टाइप से आपको चार ऑप्शन मिलते हैं कि एसरेशन रीजन दोनों ट्रू है और आर ही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन आपको ऐसे मिलता है कि एसरेशन रीजन तो ठीक है बट रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन मिलेगा कि एसरेशन ही रॉन्ग है, रीजन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन मिलेगा कि एसरेशन ठीक है, रीजन गलत है। तो ऐसे चार ऑप्शन मिलेंगे। तो ये हमने जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया गया उसको उठाया है। तो वहाँ एक इक्वेशन लिख रखी है स्टूडेंट्स, MnO2 plus HCl फॉर्मेशन ऑफ MnCl2 plus Cl2। और वहाँ आपको एसरेशन में स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट दी गई है कि दिस इज ए रिडोक्स रिएक्शन। क्या लिखा उन्होंने कि ये एक रिडोक्स रिएक्शन है, पहली स्टेटमेंट। रीजन में उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो MnO2 है वो आपका उन्होंने बोला है कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आपके पास MnO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है MnCl2 में एंड क्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है आपका Cl2 में, ऐसे बोला गया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको स्टेटमेंट को पहचानना। पहली उन्होंने बोली है रिडोक्स रिएक्शन। तो इसके लिए हमने आपको जब ये चैप्टर करवाया था तो हमने आपको बताया था कि रिडोक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में टेक प्लेस कर रहे हो, तो उसको हम रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद रिडोक्स के लिए पहली स्टेटमेंट, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि रिडोक्स है या नहीं। इन्होंने बोला कि MnO2 ऑक्सीडाइज होके MnCl2 में आ रहा है, मतलब MnO2 का ऑक्सीडेशन बताया इन्होंने और Cl वाले का रिडक्शन। अब अपने को चेक करना है, तो इसको चेक करने के स्टूडेंट्स चार वे है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जैसे जब हमने वीडियोस बनाई थी तो आपको एक तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म में समझाया था, सेकंड हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, थर्ड आपको बताया था आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो आप सभी से आंसर सेम ही आएगा, पहले जो सबको आता है उस वे से हम बताते हैं कैसे। तो देखिए MnO2 है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में, और HCl है वो Cl2 हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने दो डेफिनेशन दी थी ना उनसे भी फॉल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता चेक करना तो उसकी जरूरत भी नहीं है इसमें। कैसे, अब देखिए Mn के साथ यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ कौन आया, Cl, तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने सीखा होगा, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आपको समझाया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन को एक तो बताया था ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे। तो हमारा पहले डेफिनेशन से ही काम चल रहा है। ऑक्सीजन देखो पहले Mn के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, हटा दिया गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिमूवल क्या होता था, रिडक्शन। दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है MnO2 MnCl2 में। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, Cl के साथ कौन था, H, और यहाँ क्या है, अकेला Cl2, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ H, H को आपने हटा दिया। तो हाइड्रोजन को हटाना क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को हटाना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल गया स्टूडेंट्स कि इसका तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये रिड्यूस्ड, लेकिन वो दोनों कम हो रही है तो रिडोक्स रिएक्शन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि एसरेशन तो ठीक है अपनी स्टेटमेंट, बट रीजन देखिए, इन्होंने बोला था कि MnO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने चेक किया MnO2 क्या हुआ है, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एसरेशन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड मिलेगा या फोर्थ मिलेगा।
ये तो था इन दोनों में ही हो गया आपको सोल्व, लेकिन कोई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वाले टर्म से समझना चाहता है तो समझ सकते हो आप। कैसे समझोगे देखिए, अगर हम ये लास्ट वाले स्टेटमेंट के हिसाब से समझें तो इनको निकालने के लिए आपको सबसे पहले हर एक एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो M1 का पता होना चाहिए तो कैसे निकालोगे, एक ऑक्सीजन पे -2, दो है तो -4, जिसका निकालते हैं उसको एक्स मान लो प्लस में, एक ऑक्सीजन का -2, दो है तो -4 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4, दैट मीन्स M1 या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4। अब यहाँ कैलकुलेट कीजिए, क्लोरीन हो क्लोरीन सब पे -1 कितने है -2, तो इस पे चार्ज कितना आएगा +2। तो यहाँ चेक कीजिए स्टूडेंट्स, M1 था वो +4 से +2 हो रहा है, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है कि +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था पहले और बाद में क्या इतना दे रहा 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए है अपने अंदर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता था रिडक्शन। हो गया सोल्व, उससे भी यही आंसर आ रहा था। Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Cl की निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगी -1, अब -1 से 0 है दैट मीन्स लॉस किया तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, तो इससे निकाल लो जब भी आंसर सेम आएगा, और हमारा काम तो इन दोनों से ही हो रहा था तब भी सेम आएगा, तो आप ये कर सकते हो। अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है किसी स्टूडेंट्स को तो आप कमेंट कर देना, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर देने की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।